लल्लू अभी तक तैयार नहीं हुआ। अबे जल्दी नहीं चलना। अबे साले जल्दी किस बात की, कौन सी कोई ट्रेन छूटी जा रही है? ट्रेन नहीं छूट रही, लेकिन वो लौंडियां छूट रही हैं। राजू आज कॉल का पहला पहला दिन है, जरा बाहर से ही लाइन मारते हो जाएंगे यार। अरे राजू चलना यार। हट रे पुंदुरे। क्या चाची तुम भी? राजू एक काम कर बेटा, ये दूध जाते जाते सच्ची का होटल में पहुँचाई दे। अरे मुंह का देखा थे, जल्दी जा, होटल वाला है नाराज हो जाएगा। ले अरे क्या बुआ, मैं इतना बंठन के तैयार हुआ हूँ और तू मुझे दूध देने भेज रही है? मैं नहीं जाता। अरे बुआ, पहले के राजू और आज के राजा में बहुत फर्क आ गया है क्या? हाँ हाँ, सरकार तो का कोई रियासत का राजा बना रही है ना? अरे नहीं बुआ, अब मैं कॉलेज जाने लगा हूँ। कॉलेज? अरे कॉलेज जाने लगा है तो क्या हुआ? कॉलेज की चौपने का ही लिखा है कि जो दूध बेचने जाएगा उसका मुंह काला हो जाएगा या उसका कॉलेज की बात निकाल दिया जाएगा। अरे नहीं बुआ, ये जरा लेवल के नीचे की बात हो जाती है। अच्छा, लेवल के नीचे की बात हो जाता है? अरे हम दिन भर गोबर उठाते, अपने सर पर कचरा उठा के कूड़े के डब्बे में फेंका थे, भैंसन को चारा डालत है, उका धोवत है। हमरा तो लेबल खराब ना ही हुआ और थोड़ा दूध ले जाने में तोरा लेबल खराब हो जाता है। अरे जा, आज के बाद हम तो एक काम भी नहीं कहेंगे। कहा समझत है हम, आज भी हम में इतना दम है कि तो जैसे दस को उठाए के घुमाए के घास की गड्ढी करा हुआ फेंक सकते है। जा रहे निगोड़े। अरे फिर तू भी जा, 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 जान तो छुट्टी, खूब मस्ती कर रहे हैं, मजा ही मजा है। राजू मोटी मोटी जा रही है सड़क पर, अपन रोटी घुटा दे उसको। देखी नहीं चल भैया, ये हिंदुस्तान की धरती पर क्या अन्याय हो रहा है? मैं अंधा हूँ, मुझ में डर की पिटाई क्यों कर रहे हो? अरे भैया तुम्हारे नैन है, मैं बेनैन हूँ, मुझे किस बात की सजा दे रहा भैया? क्या तुम अंधे हो? जी अंधा हूँ, आंखों की लालटेन तो माँ के पेट में ही बुझ गई थी। अरे हमने बेचारे को कितना मारा। हाँ। देखिए हमें गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। एक अंधा माफी किस बार दे भी कह सकता है? काश मेरी आंखें होती तो मैं देख पाता आपके पैर कितने सुंदर हैं। जी ये मेरे पैर नहीं, मेरा मुंह है। मैं बेचारा अंधा, मैं क्या जानू पैर किधर होता है, मुंह किधर होता है और क्या क्या किधर किधर होता है। देवी जी मेरे को जरा ऊपर उठाएंगे। मैं जरा चलता हूँ। ये लीजिए आपका चश्मा। धन्यवाद माता जी। माता जी तेरी तो मैं शनाब। अरे आज
लड़कियाँ तुझे मार मार कर एकदम चटाई की तरह चपटाटा कर देती। लेकिन उन्हें एक्टिंग आई की ना। अबे साले, अगर तू एक्टिंग ना करता ना तो हेयर कटिंग सलून के बालों की तरह वही कटा पड़ा रहता। चल अपने ग्रुप की तरफ चलते हैं। Sit down, please. Sit down, quiet. Dear students, मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे आने पे आप लोग खड़े हो गए, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई कि आप लोगों ने एक सीनियर स्टूडेंट को इतना बड़ा सम्मान दिया। सर, तो क्या प्रोफेसर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी तुम लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ जो पिछले 8 साल से इसी क्लास में डुबकियां लगा रहा है। I think this is the world record. You! And this is my permanent seat. आइए आइए आइए। घबराइए मत सर, ये लोग आप भी मेरी तरह सीनियर स्टूडेंट समझ बैठे हैं। बच्चों और बच्चियों, ये है हमारे हिंदी साहित्य के लेक्चरार श्री सी एम होशियारपुरी। खबरदार जो मेरा पूरा नाम बताया तो। अरे पूरा नाम बताना तो मेरा फर्ज है, आफ्टर ऑल आई एम अ सीनियर स्टूडेंट। इनका पूरा नाम है चोगामल होशियारपुरी। चोगामल, 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 प्लीज। सर हम हिंदी में चुप हो या अंग्रेजी में? बताता हूँ, तुम दोनों अंग्रेजी में खड़े हो जाओ और हिंदी में गेट आउट। ठीक है सर, लेकिन बाहर जाने से पहले हम आपको एक वार्निंग देना चाहते हैं। कैसी वार्निंग बे? आपकी एक बेटी है। तो क्या हुआ? रोज हमारी गली से गुजरती है। तो हमारी दुकान पर आती है। काहे की दुकान? किराने की। क्या कराने की? कराने की नहीं, किराने की, किराने की। हाँ, किराने की। तो क्या हुआ? तो हमसे बहुत कुछ कुछ लेती है। क्या लेती है? घी लेती है। तो तेल लेती है। सारी दुनिया लेती है। राशन लेती है। वो भी सारी दुनिया लेती है। हाँ लेती है। अगर हम क्लास के बाहर गए तो अचार बंद। नहीं नहीं, मैं आज के दिन मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन आईने ऐसा नहीं करना। बैठ जाओ। तुम्हारी दुकान कहाँ है? सारस रोड। आज के लिए इतना काफी है, कल से पढ़ाऊंगा। मैं कमिन सर। कौन है? क्या? आई एम ए न्यू एडमिशन। I am a new admission. नाम क्या है? रूप सागर। भूत सागर? रूप सागर। क्या रूप है? पुत्र विद्या सागर। आ जाते हैं। लक्ष्मी बेटी, अरे लक्ष्मी बेटी। हाँ लक्ष्मी बेटी। अरे लक्ष्मी बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप हो। अपनी कनपट्टी पे काला टीका लगाए रखो, वरना किसी की नजर लग जाएगी। हाँ इलो, हमरे लिए तो तुम हमेशा ही भाग्यशाली साबित रही। अरे जौन दिन हम तोहरे घर से दूध बांटना शुरू करते है ना, वो दिन तो हमरी चांदी हो जाते। दूध खत्म हो जाता पर गाह खत्म नहीं हो। राम कसम, ये सब तोहरे चंदन की कृपा है। हाँ, मैं सिर्फ दूसरों के लिए भाग्यशाली हूँ। हाँ बेटी, हमरी तुम्हारी कहानी एक ही है। इमरत जात घर के मंदिर में बैठी सीता को छोड़कर बाहर के सरूप नखा के पूजा में ही लगे रहते हैं। अरे हाँ, मैं तो एक बात ही भूली, कल से आधा लीटर दूध ज्यादा ले आया करना। काहे, कौन मेहमान आ रहे हैं का? हाँ, मेरी छोटी बहन आने वाली है। छोटी बहन? अरे हम तो कभी नहीं देखे उका। वो दिल्ली में रहती है हमारी चाची के पास, अब यहाँ आ रही है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अरे तो अच्छा है, आए रहो तो ये भी संगत में मिल जाएगी और हमारा भी फायदा हो जाएगा। दूध की चिंता नहीं करो, हमें कौन सी नई भैंस खरीदनी पड़ेगी। अरे जब तक म्युनिसिपालिटी का नल में पानी आता रहेगा ना, तब तक हमने दूध में कभी कमी नहीं होगी। अच्छा बेटी, अच्छा दूध की चिंता नहीं। नमस्ते उषा बेटी। नमस्ते चाचा, तुम पीछे बैठो, गाड़ी में चलाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम्हें चलाओ।
लिटिल इडियट। यू फूल इडियट। दीदी 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 उषा, ऐसे लगता है जैसे सदियां बीत गई तुझे देखे हुए। आहा, शहर के हॉस्टल में मुझे अकेला छोड़ रखा था, एक भी दिन तो मिल नहीं आई मुझसे। घर घर की जिम्मेदारियां पांव में बेड़ियां बनकर पड़ जाती हैं। ओहो, क्या जिम्मेदारियां हैं, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे 10-15 बच्चे हैं जिनको पालने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। बच्चा तो एक ही है। मम्मी, लो पप्पू आ गया। अरे पप्पू आ गया। उषा दीदी कैसी हो माया? अरे क्या बताएं, वही पुरानी चाल बेढंग जो पहले थी सो अब भी है। आंटी आंटी तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी भी नहीं आए, तुम भी नहीं आई, अच्छा नहीं लगता। अब मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। कभी नहीं जाओगी? कभी नहीं। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। अच्छा आंटी। क्या है ए बदतमीज, अब तो इस घर में पप्पू की सिर्फ याद ही रह जाएगी। क्या मतलब? पप्पू के डैडी पप्पू को मुझसे कानूनी तौर पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया इस मामले में कुछ नहीं बोलते। भैया क्या करेंगे, उनका कोई ठिकाना है क्या? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं। अबे ये कर रहा है, एक मुंह से निकालता है दूसरा मुंह में डालता है। हम बॉस संभाल के लिमिट पकड़ के काम करता है बॉस, आप खोल रहे हैं तो हम डाल रहे हैं, जब आप बंद करते हैं तो हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर राइट। शट अप। हवा में उड़ता जाए मुर लाल दुपट्टा मलमल का, इधर विधर लहराए मुर लाल दुपट्टा मलमल का। ये बिना इंजन का हेलीकॉप्टर है, जो उड़ता कम है लहराता ज्यादा है। हुजूर अनवर बंदा परवर, ये लड्डन सहारनपुरी आदाब को बजा ला रहा है, नए नुमटका है के संभाल के लिमिट पकड़ के। ये अगर पार्टी का शिफ्ट कब तक चालू रहेगा? अरे छिलके, अरे लसन बेठन नान मटका है, अमेरिकन ढक्कन। अच्छा मैं फोन करके आ रहा हूँ, तुम इनको संभालो। समझ गया बॉसी। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ जी जवान माँ जी, वो तुमसे उम्र में बड़ी तुम्हारी बेटी फूलों की पेटी कहाँ गई है मटकाने नैन मटकाए के? पूना माँ किसे लगाने गई है चूना? आज चानस नहीं है। अरे लानत है, हेलो हेलो नहीं हिल रहा है। कैसे हिलेगा नैन मटका के, तुम किधर पैदा हुआ? कान में लगाने वाला मुंह में लगाता है और मुंह में लगाने वाला कान में लगाता है। छक्का। हेलो 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 साहब, कौन रघु? हाँ साहब, अपना माल पकड़ा गया। क्या माल समेत पकड़ा गया? हाँ साहब। तुमने हमारा नाम नहीं बताया? बताया साहब। उसके बावजूद उसने हमारा माल पकड़ लिया? ऐसी की तैसी इंस्पेक्टर के बच्चे की। तुम मुझे सिर्फ उसका इतिहास बताओ, बाकी मैं खुद पुलिस स्टेशन में जाकर उस हरामजादे का इतिहास लिख दूंगा। हट। इंस्पेक्टर राम भी किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे रावण अपने 10 सरों के साथ क्यों ना आ जाए। आप बिल्कुल बराबर बोलते हैं साहब। मैं आज तक नागेश से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक मुजरिमों से निपट चुका हूँ। अपने जिंदगी से खेलकर, मौत से वो डरते हैं जिन्हें जिंदगी से प्यार होता है। मुझे ना जिंदगी से प्यार है ना मौत से डर लगता है। और फिर ये नागेश है कौन, कोई शेर है? सलाम साहब। क्यों हवलदार, इस शेर को बिना पिंजरे के अंदर आता देखकर लटकती हुई तलवार की तरह दोनों कांप रहे हो? सीधे खड़े हो जाओ, यूं झुक रहे हो जैसे ये कोई DSP है। सर ये इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, और फिर हर साल होली और दिवाली के त्योहार पर हम दोनों को तोहफे भी देते हैं। सिर्फ तोहफा नहीं सर, अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो हमें ऐसे निकाल लेते हैं जैसे कोई डिब्बे में उंगली डाल के घी निकालता है। लगता है तुम इस बस्ती में नया नया ट्रांसफर होकर आया है, नहीं तो हमारे बॉस को तो सड़क का पिल्ला भी झुककर सलाम करके आओ आओ फिर सीधा खड़ा हो जाता है। हुजूर, भगवान इस जबान की नोक से झूठ न टपकवाए, ये जिसकी नियत में भी जाते हैं ना मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता है इनके इस्तकबाल के लिए, और फिर जाके चिता पे देखता है नैन मटका है कि हाँ, ये पहली बार है जो पुलिस स्टेशन में आए हैं,
हुआ ना पुलिस स्टेशन, हमेशा इनके घर पर जाता है दंग बाल धक मारते हुए, समझे? और अब हमेशा के लिए तुम लोगों को यही रहना पड़ेगा। लॉकअप में दिमाग फिसल गया है, आप बैठ जाइए, कुर्सी है तो नहीं, बैठ जाइए। बहुत संभाल के लिमिट पकड़ के आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ए मिस्टर, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यहाँ मेरी इजाजत के बगैर कोई हिल नहीं सकता, समझे? चलो खड़ा हो जाओ, आई से गेट अप। बॉर्डर संभाल के लिमिट पकड़ नहीं। देखो साहब, वर्दी तुम पहनो, ऑर्डर हमारा चलने दो, तुम्हारा कुर्सी भी सलामत रहेगा और तुम्हारा सेहत भी। इंस्पेक्टर, हमारा नाम नागेश, हम नहीं लेकिन दुनिया वाले ये कहते हैं कि नागेश वो भट्टी है जिसके अंदर लोहा भी मोम की तरह पिघलकर आंसुओं की तरह बहने लगता है। अगर तुम्हें पिघलना नहीं है और आंसुओं की तरह बहना नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी में हमारे रास्ते में कभी आने की कोशिश मत करना। क्या इस शहर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसकी ज्यादती और गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ आवाज उठा सके? सर, एक आदमी है, वो अगर चाहे तो इसे सबक सिखा सकता है। कौन? विशाल। विशाल? हाँ विशाल। ये आदमी अपने को भट्टी बोलता है, लेकिन विशाल वो भट्टी है जिसके आगे ये भट्टी बर्फ की तरह ठंडी है। अगर नागेश चूहा है तो विशाल बिल्ली है, और अगर नागेश सांप है तो विशाल नेवला है। अगर नागेश को कोई चैलेंज कर सकता है तो सिर्फ विशाल और कोई नहीं। वो देख, अरे वही लड़की है। कौन सी लड़की? अरे वही यार, नीली आंखों वाली। अबे तेरे दिन तो नहीं भर गए क्या? आंखों के जंगल से निकला और बुरा डाल दिल से उसे, जानता है कौन है वो? कौन है? अबे नागेश की बहन है, एक नंबर का डामचा मवाली है साला, गीले कपड़े की तरह सारा जोश नहीं छोड़ डालेगा तेरा। उषा तुम क्लास में जाओ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल को मिलकर आता हूँ। ओके। ए उषा, बाय द वे मैं गाड़ी यहाँ पे छोड़ कर आ रहा हूँ, तुम शाम को इसी में आ जाना ना। ये लो। अटेंडेंस प्लीज। मिस मंजुला। यस सर। ये कौन अपने मन का झूला हिला रहा है? मैं हूँ सर। तुम मंजुला हो? सर क्या है कि इनकी आवाज खराब थी ना, इसलिए मैं बोल रहा। सिट डाउन प्लीज, अपनी आवाज ठीक रखना। दिलीप ढोलकिया। यस सर। तुम ढोलकिया हो? रमाकांत खाटी मीठी। यस सर। किशन गोल बोले। यस सर। अशोक तीतर मारे। यस सर। साइलेंस प्लीज। सुरेश पहलवान। यस सर। हाँ मालूम है, बैठ जाओ बैठ जाओ। पहलवान। रमेश चोपड़ा। यस सर। मैंने चोपड़ी नहीं चोपड़ा कहा था। देवदास। देवदास। करंट मार रहा है क्या? बढ़िया। विद्यासागर। यस सर। ये वो सागर है जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं है। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। बैठा तो हूं। सिट डाउन प्लीज। नाउ सिट डाउन। पुत्र हट। सर आपने मेरी नहीं ली। आए अटेंडेंस। तुमने ऑफिस में भी नहीं दी फीस, जाओ देखे। Who has put this? अरे चिल्ला क्यों रहे हैं सर, मैंने रखा है। यू गेट आउट प्लीज, प्लीज गेट आउट प्लीज। सर इफ आई गेट आउट यू कैनॉट कम आउट। ओके ठीक है, आज माफ कर देता हूँ, मगर दूसरी मत एक बड़ा मत रखना यार। सिट डाउन प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। ये प्लीज। आई एम अ न्यू एडमिशन, मे आई कम इन सर? हाँ हाँ मैं, पर प्लीज कम 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 इन कम इन। व्हाट इज योर नेम? उषा। 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 उषा, नाम सुनकर कैसा लगता है कि तुम्हें सूरज खिल गया हो। जी चाहता है कि इस्लाम को चिंगम की तरह चबा जाऊं। अबे यार तू क्यों बार बार उषा उषा कर रहा है यार, उसके भाई की सोच के मेरी। साइलेंस प्लीज।
तो कल हम कहाँ थे? इसी क्लास में सर। मालूम है, किसी मैदान में नहीं थे। साइलेंस प्लीज, तुम लोगों को पढ़ाने से बेहतर मैं जाके कहीं हजामत की दुकान खोल लूं। एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या मुस्किबाजी कर रहा है यार? मैं आपके घर के बिल्कुल सामने रहता हूँ। आप इस जगह के लिए नहीं है, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो चुटकी बजा दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। माइंड योर ओन बिजनेस। अरे उषा, कैसा लगा यहाँ का कॉलेज और कैसे लगे स्टूडेंट्स? पहली बात तो ये शहरी बकवास है, लगता है आदि मानव के जमाने का है। जरा सा फैशन करके मॉडर्न कपड़े पहन के बाहर निकलो तो लोग ऐसी फटी हुई आंखों से देखते हैं, लगता है आंखों से खा जाएंगे। और लड़के, तौबा तौबा तौबा, इतने जंगली और गवार, मैनर्स नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तू वेस्टर्न स्टाइल कॉन्वेंट में पढ़ के आ रही है, ऐसा माहौल तुझे हर जगह तो मिलेगा नहीं। और फिर ये छोटा सा शहर है, दिल्ली की तरह बड़ा तो है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन दीदी इस वक्त ये तुम लिख क्या रही हो, हनुमान चालीसा या राम नाम? अब मैं कौन सा राम लिखूंगी, मैं तो एक कहानी लिख रही हूँ जिसका नाम है शांति की खोज में। अच्छा, इसको भी शायद तुम उसी मैगजीन नाडारी में भेजोगी, मैंने तुम्हारी पिछली कहानी भी उसी मैगजीन में पढ़ी थी। अच्छा, कैसी लगी? दीदी अगर मेरा तुमसे कोई रिश्ता ना होता, मैं एक आम लड़की होती तो कहती एक्सीलेंट, कहानी बहुत अच्छी थी। चूंकि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ इसलिए उस कहानी को पढ़कर कुछ परेशान सी हो गई हूँ। किस बात से परेशान हो गई? उस कहानी के टाइटल से ही मैं परेशान हो गई थी। तुमने कहानी का नाम ही ऐसा दिया था जिसमें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी तकदीर की पूरी झलक दिखाई दे रही थी। दीदी, जीजा जी का कोई खत आया? क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते, एक जीवन नहीं गुजार सकते? मम्मी मम्मी, मेरी पतंग पेड़ पर फंस गई, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं निकली। बेटा, इंसान की तकदीर ही ऐसी होती है, जब एक बार कट जाती है या तो उलझनों के पेड़ में अट जाती है या फिर हमेशा के लिए फंस जाती है, फिर उसका निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। बुआ, बुआ मैं भैंसों को चारा डाल दूं? अरे राजू, आज तू इतनी सवेरे कैसे उठ गवा रे? बुआ मैं तो बहुत पहले जगा हुआ हूँ। कहे? अरे मालूम है कल का हुआ? का? कल रात पिताजी हमारे सपने में आए और कहने लगे, देख ये तेरी बुआ नहीं है, तेरी माँ है, माँ, और इनको कभी दुख नहीं देना, हमेशा इनकी सेवा करना, इनको खुश रखना। इसलिए हम आ गए। माँ, दूध देने जाऊं? नाहिर, आज से तेरा दूध देना बंद। अब तू बड़ा हुई गवा है बेटा, कॉलेज जाने लगा है, दूध देने जावेगा तो का कॉलेज में तेरी बेइज्जती नहीं होवेगी? अरे बुआ, लगता तू मेरी अभी तक वो बात नहीं भूली। नाहिर हम कर... अरे बुआ, वो तो मैं ऐसे ही बकवास कर रहा था। अरे माफी दे देना बुआ, देख मैं गांड पकड़ता हूँ, मगर मुझे दूध ले जाने से मत रोक। ले जाने देना बुआ, मेरी अच्छी बुआ। अरे अरे, क्या कर रहे थे, आधा दूध तो रास्ते में ही गिरा देगा, संभाल के ले जा। तुम, हाउ डेयर यू एंटर, तुम अंदर कैसे आए? दूध, दूध। व्हाट? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपके लिए दूध लाया हूँ। यू सी एट हाउस माय हाउस आई आई दूध वाला, मैं रोज दूध लेकर आया करूँगा। अरे मार राजू, आओ, हमारा धोबी भी रोज आता है, हमारा कोयले वाला भी रोज आता है, हमारा कचरा उठाने वाला भी रोज आता है। अगर आपको खुशी मिलती तो मैं आपके घर का कचरा भी उठा लूंगा। आए हाय, इसने मजदूर को कचरे का डिब्बा बना दिया। शक्ल देखी है अपनी, काम दूध बेचने का करते हो और अदाएं फिल्मी हीरो की दिखाते हो। लगता है अपना वक्त बिल्कुल खराब है।
एक लड़की एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत वो तू है तू है तू है एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत वो तू है तू है तू है तेरी आँखों में मस्ती है तेरी बातों में जादू है एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत वो तू है तू है तू लड़की जिसका नाम नजाकत वो तू है तू है तू है एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत वो तू है वो तू है तू है तू है तू है तू है तू है
वो तू है, तू है, वो तू है, तू है। अरे बुआ क्या हुआ, रो काहे रही हो? अरे सवेरे सवेरे जलील होकर आ रहे हैं बेटा। जलील क्या हुआ बुआ, साफ साफ कहो ना। अरे हम अपने गाय का बछड़ा लिए वो दारू वाले से हमारे दुकान का भाड़ा लेने जा रहे थे, तो रास्ते में वो दुकान का मालिक जम्बू जोर से अपनी मोटरिया चलाता हुआ आया और बेदर्दी से अपने बछड़े को कुचल दिया ने। क्या? बछड़े को कुचल दिया? हाँ बेटा, अम्मू कहा के बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए कि भैया हम गरीब औरत है, हमारे बछड़े का पैसा दे देना भैया, पर लुच्चा खराब जाना हमका धक्का मार के बाहर निकाल दिया और बोला कि ना ही तुझे बछड़े का पैसा देंगे ना ही भाड़े का, जा तू संजय कर ले। ऐसा सरकार कढ़ाओ में से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कन्नौज का इतर पक रहा हो। गदम 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 बहुत सवाल की लिमिट पकड़ के, कन्नौज का इतर नहीं, इसको पेरिस का सेंट कहो, सेंट। हमारा पहलवानी दिमाग कर रहा है कि इसमें सरसों के तेल की खुशबू आती है जो हम रोज लगाते हैं। अगर हमारे पास तुम्हारे जैसे चार चेले हो, इनके जैसे नहीं, तो हम सारे शहर खटिया खड़ी करते हैं। चंबो, चंबो, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी बुआ का अपमान क्यों किया? क्या किया बे मैंने? है? तुम पहले किराया निकालो और हमारे दो बच्चों का हर्जाना अदा करो, फिर मैं दूसरी बात करूंगा। देखो कि नहीं? अबे चूंटी के, ज्यादा शानपति मत दिखा, अभी तो मेरे सामने बच्चा है, जा पहले ठीक से चड्डी पहनना सीख के आ, फिर मेरे से बात करना। चल फुट। तुम किराया देते हो कि नहीं? नहीं देता बे। चल फुट जा, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लोगे, मारोगे? देखता हूँ कैसे मारते हो। अभी भी विशाल भैया के पास जाता हूँ और उन्हें लाके लाता हूँ। विशाल, मैं तो कह रहा हूँ सरकार, अगर ये विशाल आ गया तो हम सब लोगों की मशाल जला के रख देगा, नैन मटकाए के। नहीं नहीं, लिमिट पकड़ के बोर संभाल के, कहीं कोई लफड़ा नहीं हो जाए। क्या लफड़ा है बे? ये लौंडा अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो हमारा अपमान है। चंबो दिखा दो अपने हाथ से। चूज़े। उठा के फेंक दो इन हरामजादों को बाहर। चलो चलो चलो, तुम लोग यहीं ठहरो। हम लोग यहीं ठहरे, हम लोग यहीं ठहरे। वो विशाल हमारी मशाल जला देगा। विशाल भैया, विशाल भैया, क्या बात है? चंबू ने हम लोगों को बहुत मारा। क्यों मारा? उसने हमारी दुकान किराए पे ली हुई है भैया। पहले तो बिना इजाजत के वहाँ शराब की भट्टी खोल दी, वो फिर भी खामोश रही, और अब किराया देने से भी इनकार करता है। ऊपर से हमारे गाय के बच्चे को अपनी मोटर के नीचे कुचल दिया। बुआ गई तो उसे बेइज्जत करके निकाल दिया, फिर हम लोग गए, हम लोग को भी बहुत मारा। क्या उसे नहीं मालूम कि तुम विशाल के आदमी हो? मालूम था भैया, लेकिन वो नागेश बैठा था, वही उसको चढ़ा रहा था। और जब हमने आपका नाम लिया तो कहने लगा विशाल तो क्या उसका बाप भी आ जाए तो मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। अब संभाल जम्बो, तेरी जिंदगी का तंबू उखाड़ने के लिए विशाल आ रहा है।
अबे आग दड़ियाल, लांडो की बात मानकर मात के मुंह में आ गया, बच के नहीं जाएगा। तूफान टकराएगा नैन मटका के। हम कह रहे हैं तूफान कौन और आज कौन? अभी पता चल जाएगा। नहीं मैं पकड़ लूँगा। संभाल। अच्छा। Come on लपक्चा। जाकर अपने नए बॉस से ये सब कुछ कह देना। ठहरो। तुम्हारे बॉस को ये कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ आया था? कुछ निशानी साथ लेते हैं। ये अंधे लंगड़े लुलुले फकीर भिखारियों के अंदर किसने आने दिया? बॉस, आपने नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? भिखारी नहीं है, बहुत अच्छा भाई। के लिमिट पकड़ के माइक सर है, पॉलसन की तरह पिघल गए। खड़ापुर पल वाले सरकार, अरे शरीफ कटिया के पाए की तरह उखड़ के रह गया। लड्डन सहारनपुरी बेसहारा हो गया। नैनो पर ऐसा फटका लगा कि बिना नैन मटकाए बदन का हर इलाका मटक रहा है। आवाज तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन
ये शक्लें क्यों बदल गई हैं? हुलिया बदल गया तो बेचारों की शक्लें भी बदल गई हैं। उस्ताद, हमारे पहलवानी शरीर का तो ये हाल है कि अगर मक्खी भी बैठ जाए तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के नीचे किसी ने दबोच दिया हो। अब तो मैं कुछ मटकाने के लायक ही नहीं रह गया। उसने मुझे ऐसा पटका, ऐसा झटका, ऐसा भगोड़ा, ऐसा झंझोड़ा जैसे किसी भेड़िए के साथ किसी बकरी की शादी कर दी जाए। यस बॉस, अगर कपड़ा फट जाए तो दोबारा उसको सिलवाया जा सकता है, मगर हम ऐसा फटा है कि दुनिया का कोई मशीन हमको सी नहीं सकता। पूरा फट गया। उस्ताद, ये जख्म हमको नहीं लगा है, आपको लगा है, आपकी इज्जत को लगा है। उसने हमको नहीं उधेला है, आपकी इज्जत को तितर बितर किया है, छिन्न भिन्न। इंग्लिश में दुनिया इधर की इधर हो जाए, मगर उसे मत छोड़ना सरकार, वरना हम हमारे बाद आपकी बारी है सरकार। नैन मटका के फिक्र मत करो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं, मौका देखकर। यार राजा, वो टेलीफिल्म लगी यार, प्रेम दीवानी चलता है क्या? अरे तू जाना यार, मैं तो यहाँ अपनी दीवानी को देखने के लिए खड़ा हूँ। दीवानी? हाँ, मेरे सपनों की रानी, जो सीने के इस जंगले में अपना दिल बंदर की तरह उछाल उछाल कर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। सुनी इन बदतमीजों की बातें, इनका हुलिया देखो, इनकी शक्ल देखो, इनको म्युनिसिपैलिटी वाले कचरे की तरह उठाकर क्यों नहीं ले जाते? ये उस पर इतना भड़कते क्यों है मालूम है? क्योंकि ना ही वो इसे घास डालता है और ना ही इस पर लाइन मारता है। चल रहे बेशरम, ये लाइन क्या होती है रे? गुंडे मवालियों की जबान बोलती है। और फिर उसमें रखा ही क्या है जो मैं इसकी लाइन की परवाह करूं? वो तो खुद एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन की तरह है, वो क्या किसी पे लाइन मारेगा? अरे ये सब ऊपर पर से कह रही है हमें से सुनाने के लिए, लेकिन जब वो सामने आता है ना तो शर्म के मारे इसके गाल लाल लाल हो जाते हैं। अरे मैं तो डेफिनेटली कहती हूँ ये अंदर ही अंदर उससे प्यार करती है, उस पर मरती है। कौन मैं? मेरा नाम उषा है, और अगर वो मेरे चक्कर में फंसेगा ना तो मैं उसको ऐसा फिरा डालूंगी जैसे उषा कंपनी का पंखा घूमता है। जानती हो उषा का मतलब क्या होता है? होशियार। जिस प्यार से तुमने मुझे उठाया उसी तरह भगवान तुम्हें इस दुनिया से उठा ले। मुझ पर भी खैर अभी बताती हूँ। यू इडियट। Bye.
कुछ भी करो नजदीक आना अच्छा नहीं, बस दूर से तुम कुछ भी करो नजदीक आना अच्छा नहीं। नजदीक तो हम आ ही गए, अब दूर जाना अच्छा नहीं, अब दूर जाना अच्छा नहीं। यार सपना ही देख रहा था, माय ड्रीम गर्ल। क्या बच्चो और बच्ची हो, चिल्लाओ बजाओ, आज इजाजत है, आज तबला बजाओ, टेबल बजाओ, चाहे कुछ बजाओ, क्योंकि आज एक बहुत ही खास और अहम दिन है। कोई बता सकता है आज क्या खास बात है? सर मैं बताऊं? आज जया प्रदा का जन्मदिन है। नहीं, आज किसी पर्दा का, किसी चादर का, किसी रुमाल का जन्मदिन नहीं है। सर आज के दिन अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लगी थी। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बैठ जाओ। और कोई? सर आज कैनेडी का बर्थडे है। शाबाश, बताओ एक लड़की को मालूम है और ये बेवकूफ लड़के जाने कौन सा पर्दा, कौन सी चड्डी, कौन सा रुमाल का जन्मदिन बता रहे हैं। खैर कैनेडी के जन्मदिन के साथ साथ आज एक और खास बात भी है, मालूम है क्या है? क्या है सर? आज के दिन मैं पैदा हुआ था। ये चुछ क्या है? इसमें इतना अफसोस करने की क्या बात? सर आप दोनों एक ही दिन पैदा हुए, वो कितने अच्छे आदमी थे, उन्होंने दुनिया छोड़ दी, मगर आप तो अब तक इस धरती का बोझ बने हुए। घर में आईना है? हाँ है। उसमें देख लेना कौन बोझ बना हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, मुझे किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। सर ये तो अपने अपने नसीब की बात है सर। मजाक उड़ाता है, चल पीरियड। हाँ तो बच्चों, इस महीने की 15 तारीख को हमारे कॉलेज का एनुअल डे है, उसमें ड्रामा भी होगा, जो जो बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं वो खड़े हो जाए। तो बड़ी बोगस क्लास है शेमलेस फेलोज। अरे तुम लोग पढ़ाई में बंडल हो, कम से कम ड्रामे में तो कोई चमत्कार दिखाओ। सर मैं ड्रामे में एक्टिंग करना चाहता हूँ सर। अरे बैठ जा मेरे बाप, मुझे स्टेज पे जूतों की और टमाटर की दुकान नहीं खोलनी है। बैठ बैठ बैठने भी अकला रहा है। बैठ। हाँ लड़कियों तुड़ में से कोई? सर मैं ड्रामे में काम करना चाहती हूँ। लो तुम्हें ड्रामे में काम करने की क्या जरूरत है, सिर्फ स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाना, सारी ऑडियंस बिना एक्टिंग के तुम्हें देखती रह जाएगी। अबे ओ बूढ़े बेटे का बाप हो गया, शर्म नहीं आती? मुझे बुड्ढा बोला। चुप। सर हम दोनों भी ड्रामे में एक्ट करना चाहते हैं। अरे नालायक, अभी मैंने पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया, अभी कैसे खड़े हो गए? सर पहले हम लोग शर्मा रहे थे, मगर अब तो बेशरम हो गए। लेकिन लेकिन सर आप हमारा नाम लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए। बैठ। अरे जियो जानी, हाय क्या थूका है, थूकने के नाम पे जियो। अरे वारे वाह क्या तीर मार आखे यार, क्या आँखों का रंग है, क्या गुस्से का ढंग है यार, वर्ल्ड चैंपियन। बेशरम कहीं के? कहीं के नहीं, यहीं के।
दिन को बस बस लोफर आप बिल्कुल ठीक कह रही नीलोफर ललिता इनसे कहो कि परी बॉल वापस करें ए देना क्यों वो खुद नहीं कह सकती वो कहेगी तो उसके सर के बाल झड़ जाएंगे क्या जरा सी भी तमीज और शर्म नहीं है तुम्हारे पास शर्म तमीज ये किस बाजार में किस दुकान में किस कीमत पर मिलती है बताइए आज ही खरीद लेंगे अरे बाबा क्यों बताते हो प्लीज ए ललिता आप प्लीज बोल बोल कर उनको मस्का लगा रही है समझ ले कि फकीरों को भीख में दे दिया अरे वाह अरे वाह क्या आतम ताई की औलाद है फकीरों को भीख में बॉल दे रही है थर्ड क्लास लोफर थर्ड क्लास नहीं फर्स्ट क्लास मेरे पास सर्टिफिकेट भी है दिखाऊं कमर है तिरछी
तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, 18 बरस की बाली उम्र है, 18 बरस की बाली उम्र है। लड़कों की तो जात का पैदा, इनकी उछल कूद बदमाशी और नाच गाने का तो ऐसा बदला लेना चाहिए ना उषा कि उनको उनकी नानी याद आ जाए। ये 56 टिकली के औलाद अपने आप को समझते क्या हैं? ये कॉलेज में पढ़ने आते हैं या सर्कस दिखाने? आहिस्ता आहिस्ता मेरी मुटल्ली, ज्यादा गर्मी खाएगी तो चर्बी पिघल जाएगी। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, चल अभी चल के प्रिंसिपल साहब से उनकी शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने से क्या फायदा होगा, उनको रजा मैं दूंगी और ऐसी सजा दूंगी जिंदगी में सुबह शाम याद रखेंगे कि उषा नाम की किसी लड़की से वास्ता पड़ा था। अबे थू यार, क्या परतूस आदमी है, कितनी बोगस बॉल पर आउट हो गया। मैं तो सेंचुरी बनाएगा और ये चला 98 पर आउट हो गया और अब बल्ला हिलाते हुए चला आ रहा है। छे, अरे तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बॉलर ने जब बॉल फेंका तो बॉल हवा में उछल गया यार। अबे अबे क्या था, बकता है बे? काश के उषा देख सकती कि मैं हर हाल में उसी को देखता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकती हूँ। मुझसे फड़फड़ाइए, कहाँ चले लूँ, किधर चलूँ, कैसे चलूँ? आइए आइए, प्लीज कम। चलिए चलिए, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट खेल है। अच्छा? जी हाँ, आपको देखा तो बस पत्थर की मूरत बनकर देखती चली गई। क्या खेलते हैं आप, आपको तो टेस्ट मैच खेलना चाहिए। सही है। आप खेल रहे थे तो लग रहा था जैसे गावस्कर और कपिल देव एक ही अभी में समाकर खेल रहे हो। इज इट? जी हाँ, कॉलेज की सब लड़कियाँ आप ही के बारे में बात कर रही थी। सबका कहना है आप एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बनेंगे और सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सच? मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ, अगर बुरा ना माने तो ऑटोग्राफ देंगे। ऑटोग्राफ? हाँ। अरे ऑटोग्राफ बुक लाना तो मैं भूल ही गई, अगर आपको एतराज ना हो तो इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, लाइए। यहाँ नहीं, यहाँ। और दूं? जी नहीं, बस एक ही काफी है। थैंक यू, वेलकम। कविता लिखी तुमने? यस सर। सुना, अर्ज किया है? इरशाद। जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है? वाह। जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। नहीं मालूम होती है? क्या शेर लिखा है? नाला कहीं लिखा, तुमने कुछ लिखा? हाँ। तो सुना, नहीं करने की क्या जरूरत है? खिलौने देखकर बहलाई गई हूँ मैं इस संसार में, आई नहीं लाई गई हूँ, मुझे क्या खाक समझेगी ये? सॉरी सर, मुझे क्या खाक समझेगी ये दुनिया, मैं ऑर्डर देकर बनवाई गई हूँ। लेना था उस ऑर्डर पे जिसमें तुम बनवाई गई हो, आग फोड़ दी। सर क्या है ये नोटिस? हैं? नोटिस सर, मेरा चश्मा का ऊपर है सर। मालूम है, आग फोड़ दी। क्या लिखा है, क्या लिखा है? राजू, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। प्रिंसिपल, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम्हारे खिलाफ प्रोफेसर होशियारपुरी ने मुझसे पहले शिकायत की थी,
कि तुम एक नहायत ही बदतमीज, बददिमाग और नालायक किस्म स्टूडेंट हो। अब तुम्हारी बदमाशियां यहां तक बढ़ गई हैं कि तुम कॉलेज की लड़कियों को आशिकाना खत लिखने लगे हो, उन्हें बेहुदा बातें लिख के भेजने लगे हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं अभी समझाता हूं। ये रहा तुम्हारा प्रेम पत्र। माय डियर उषा, मेरी अब जिंदगी में यही तमन्ना है कि मैं हर घड़ी हर लम्हा तुम्हें छूता रहूं। तुम सिमट जाया करो और मैं तुम्हें अपनी बाहों में फैला लिया करूं। तुम्हारे शहद से ज्यादा मीठे होंठों को मैं चूमता रहूं। सर सर मैं कसम खाता हूं कि मैंने आज तक ऐसा बेहुदा खत किसी को नहीं लिखा। डोंट ट्राई टू एक्ट। मैं जानता था तुम अपनी सफाई में यही जवाब दोगे। मैंने तुम्हारे एडमिशन फॉर्म में किए हुए दस्तखत और इस पर किए हुए दस्तखत दोनों को मिला के देखा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखो सर, ये दस्तखत तो मेरे जरूर है सर, मगर ये राइटिंग मेरी नहीं है सर। मैं सब जानता हूँ, तुम बहुत चलाक किस्म के लड़के हो। तुम्हारी राइटिंग को पहचान ना ले इसलिए तुमने इस खत का मैटर किसी और से लिखवा लिया है और सिग्नेचर खुद कर लिया है। उषा ने मुझे सब कुछ बता दिया। सर दरअसल वो यूं हुआ कि उषा, मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे बारे में कॉलेज के दूसरे लड़कों से भी पूछताछ की है। उनका भी यही कहना है कि तुम हमेशा उषा के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट फॉरन एक्शन सकता हूँ, मगर चूंकि तुम शहर के एक बहुत बड़े आदमी के वसीले से इस कॉलेज में आए हो इसलिए तुम्हारा केस कल बोर्ड की मीटिंग में रखूंगा और जो फैसला उन्होंने किया उसके मुताबिक तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ यू कैन गो। दुर्योधन, ए दुर्योधन, यो 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 यो, यस सर। अबे क्या ये सर कर रहा है, ड्रामा शुरू होने से पहले अकेला रहा है, स्टेज पे क्या करेगा? आप फिक्र मत करो सर, स्टेज पे भी आके मैं टप्पू मारूंगा। अटकेगा तो अपने हाथ से टप्पू मार लेना। बट बट दुर्योधन, मेरा चश्मा दे दुर्योधन। मैं तुझे आवाज दो, बहरा है क्या? भूल अटका बैठा है। मैं पहले मना ना करता था कि उषा के पीछे मत पड़, मत पड़, मत पड़, उसी का जाम है ना। कल बोर्ड की मीटिंग में मालूम नहीं क्या होगा, मुझे तो लगता है तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा आप अपने इशू से मेरे ड्रामे को मत सस्पेंड करा देना ना। देख बेटा मैं मीटिंग में अपनी तरफ सब कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। अच्छा तू कल को छोड़ना, खाली इतनी याद रख तू आज के ड्रामे में दुशासन है, तुझे भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारनी है, इतना याद रख, बाकी सब कुछ भूल जा। याद रहेगा ना बेटा? अच्छा मैं चल रहा हूं। द्रौपदी, द्रौपदी देव, ये क्या है? ये मॉडर्न साड़ी है, तुम द्रौपदी भाई हो, इसको मैं डांस करने नहीं जाना है। ऊपर खींचो, ऊपर ऊपर। ये डीवी निकल जाएगी ना, टकला के ला रही, मुझसे बोलना। हाँ ठीक से दिख नहीं रहा है, मेरा चश्मा किधर है? ऊपर है। ऊपर किधर? आपके सर पे है। हाँ मालूम, मैं खाली तेरा टेस्ट ले रहा था। ठीक है, डायलॉग याद है? कृष्णा, ए कृष्णा, कृष्णा, ये तेरा मुंह गोल क्यों है? मुगल धुआं, पेट में आग लगी है क्या? नहीं नहीं, डायलॉग याद है जी। और जब मैं इशारा करूं तो तू ऊपर से साड़ी छोड़ते जाना जी, समझ गया? और ये क्या, ये किशन भगवान को चश्मा किधर पे? स्टेज पर उतार लूंगा ना सर। तेरा दिखेगा ना, ऐसा ना हो कि साड़ी ऊपर आ जाए और तू नीचे आ जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा चश्मा किधर है? मालूम है, मैं खाली तेरी ट्रायल ले रहा था। शुरू हो जा। अबे पोकल कुमार उठ। मैं अर्थ दू 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 दुर्योधन हूँ, शकुनी मेरा चाचा है और मैं पूरा करने आया हूँ उसका वचन। ऐ पांचाली, तूने भरी सभा में मुझको दी काली, अब मैं तुझे नहीं छो 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 छो, इसके मुंह से छोड़ूंगा, नहीं छूट रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा। ऐ दुशासन भाई, ये हिरनी बड़े मुश्किल से हाथ आई, हमने सारे जीवन में जो इज्जत कमाई, इस चंडाल ने बाप का माल समझकर कर दी उसकी धुलाई। अबे ये डायलॉग तो इसमें नहीं है, अपने बाप का माल समझ के बोला है। इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारा इंसल्ट किया। इंसल्ट? अबे वो अंग्रेजी बाप की हकलाती औलाद, महाभारत में इंग्लिश बोल रहा है, ए राजू संभल को। अरे दुर्योधन तो मत हकलाओ, सिर्फ मुझे बतलाओ, ये औरत सीधी नहीं बगे है आड़ी, मैं भरी सभा में उतारूंगा इसकी साड़ी, सारा जमाना करेगा झाड़ी, सारे संसार की रुक जाएगी नाड़ी। हा 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 हा, बज़ात औरत, तूने हमें ये पाप करने पे मजबूर किया, मैं बेकसूर था और तूने ये कहानी भी फैलाई कि मैंने तुझे खटका,
और तूने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। अब छूके बताऊं, तूने ये भी इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी कल मुझे उस जुर्म की सजा मिलेगी जो मैंने नहीं किया, इसलिए मुफ्त में सजा भुगतने से तो बेहतर है कि जुर्म करके सजा भुगती जाए। स्टॉप इट, ये मेरी असली साड़ी है, छोड़ दो इसे, ये बदमाशी तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अबे मैंने तेरे को साड़ी खींचने की एक्टिंग करने बोला था, सबूत जुटाने थोड़ी बोला था। अबे हाथ रोक, अबे बेटी निकल रहा है। कृष्णा, कृष्णा, मुझे बचा। अरे ये कृष्ण तो क्या, अगर आकाश से कृष्ण भगवान भी उतर आए तो वो भी आज तुम्हें नहीं बचा सकते। अरे मेरे बाप, मैं तेरे पर पड़ता हूँ, छोड़ दो उसको। बाद में क्या, तू मेरी मेरी पैंट उतार देना, मगर उसको छोड़ दे। अगर बाकी है तो लो और मार लो, ज्यादा बहुत करेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोलता है मेरे सामने, बोलता है मेरे सामने, बोलता है। तुम मेरा खून कर सकते हो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मगर शर्म पास साले आराम ज्यादा आईना तो मेरी नजरों के सामने आया तो मैं तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे जख्मों के निशान मेरे शरीर से मिट सकते हैं, मगर मेरे होठों के निशान उसके होठों से कभी नहीं मिट सकते। घर के सामने रहता है, कमीने ने हमारे बेटे को जानवर की तरह पीटा, अरे अधमरा कर दिया। अरे विशाल, तू तू हमारे बेटे का बदला जरूर लेना, उन आगे इसको मत छोड़ना विशाल। भगवान की लाठी तो बदला लेती है, पर हम गरीबन की लाठी तो तू है भैया। देखो चाची, जिस बात की फरियाद लेकर तुम मेरे पास आई हो उसकी खबर मुझे पहले मिल चुकी है। तुम्हारा भतीजा तकदीर वाला है जो बच गया, क्योंकि नागेश तो बेगैरत है, इसलिए उसने सिर्फ उसे मारकर छोड़ दिया। अगर किसी ने यह हरकत मेरी बहन के साथ की होती तो उसके इतने टुकड़े करके बिखेर देता, इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। भैया हम तो विशाल के पास आए हैं, उस विशाल के पास जो गरीबन को इंसाफ दिलाता है, उनके जख्मों पे मरहम रखता है। विशाल इंसाफ जरूर करेगा, भगवान ने शायद विशाल को इसीलिए पैदा किया है कि सच और झूठ का फर्क मन करे, झूठ को सजा दे और सच को उसका हक दिलाए। अगर वाकई तुम मेरी बहन हो और तुम्हारा जमीर जिंदा है तो उस जमीर की कसम खाकर कहो, क्या वाकई इस लड़के ने तुम्हें वो खत लिखा था? उस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया गया, निकाल दिया जाए तुम्हारी बला से, उसकी जिंदगी खाम खा बर्बाद हो जाएगी। हो जाए, तुम्हें किसी की बर्बादी से खुशी मिलती है, हम दर्दी नहीं है ना? एक बात सुन मेरी बहन, कहते हैं औरत जात देवी का रूप होती है, उसके साथ जुर्म करना पाप है। अगर वो किसी से बेगुनाह पर जुर्म करती है तो वो पाप से भी घिनौना अपराध है। औरत वो है जो अपनी अच्छाइयों से अपने पैरों के नीचे स्वर्ग बनाती है, अपने कंधों पर बेगुनाह पर ढाए गए जुल्मों के बोझ नहीं उठाती। खैर चलो, तुमने अपनी गलती मानकर यह साबित कर दिया कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, तो मैं भी ऐसा संगदिल सख्त मिजाज इंसान नहीं हूं कि जो खामखा किसी की जिंदगी बर्बाद है। अगर आइंदा ऐसा हुआ
तो आई विल सस्पेंड बोथ ऑफ यू। आज मालूम है कॉलेज में क्या खास बात हुई? क्या? अरे उषा ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। हाँ, और कॉलेज में तेरा फिर से एडमिशन हो गया। सच? अरे रियली यार, चल ना। सुनिए, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उषा, तुम मुझे जरा सा मौका भी नहीं दोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे धुतकारो, मुझे ठुकराओ, मुझे नफरत करो, मेरी तरफ देखो या ना देखो, लेकिन आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल के रख दूंगा। उषा, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मुझे कभी माफ ना करती, लेकिन तुमने मुझ पर रहम खाया, कॉलेज से निकाले जाने की सजा माफ करवा दी। इस मेहरबानी के लिए मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है, और अगर होते भी तो शायद बहुत कम पड़ते। लेकिन एक एक बात मैं आज साफ साफ कहना चाहूँ, तुम मुझे कुछ भी समझो, मुझे कितना भी नापसंद करो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। I am not bothered about it, but still, I love you, Usha, I love you, I love you. सुबह चार बजे क्या कर रहा है? सुबह चार बजे तू कुछ बोलने देगा कि नहीं बे? पकड़ इसको। सुबह चार ये तेरे मुंह से धुआं कैसे निकला? ठंडी में तो मुंह से धुआं निकलेगा ना जी? अजीब मुंह है, दूसरों के मुंह से धुआं नहीं निकलता, तेरे मुंह से धुआं निकलता है। सुनो, सुबह सब लोग नहा धो के तैयार है ना, वृंदावन गार्डन चलना है। वृंदावन गार्डन नहीं जा सकते सर। क्यों? तबीयत खराब है ना। है? क्या बुखार है? पेट में दर्द है, जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मेरी नहीं, उसकी तबीयत खराब है सर जी। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे इसका बदन तो आग की तरह चल रहा है। अरे क्या करता है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारा दोस्त बीमार पड़ा है, परवाह तक नहीं तुम लोगों को, और डॉक्टर नहीं बुला सकते थे? सर इस नई जगह में हम डॉक्टर की तरह से ढूंढे सर, इस गांव के हमें तो रास्ते भी नहीं मालूम है। क्या मुसीबत, डॉक्टर कहां से लाऊं? ये फिर धुआं कहां से निकला? सर बोला ना सर, सर्दी में मेरे मुंह से धुआं निकलता ही है जी। और गर्मी में चिंगारियां निकल दूंगी, वो जो घटिया सिगरेट छुपा के रख रखी है बाहर निकल। देख देख, अभी अंडे में से निकला नहीं है और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। खड़े रहे, मैं डॉक्टर बुला के लाता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, चलिए। राजू बीमार है, सारे स्टूडेंट खुशियां मना रहे, किसी को भी रत्ती भर ख्याल नहीं है, बड़े अफसोस की बात है ना? प्लीज चुप रही ना, इंजेक्शन उसको लग रहा है, अब आपकी निकल रही है। तकलीफ तेरे को, चुप। सुनिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है जी। और जो दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ वो मंगवा लीजिए, कल सुबह फिर आकर देख लूँगा। डॉक्टर साहब, वैसे घबराने की कोई बात तो नहीं ना? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ प्रोफेसर ही स्टूडेंट्स का जिम्मेदार होता है। नहीं ऐसी बात नहीं, क्या है कि मेरा अपना बेटा भी बीमार होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती जितनी एक स्टूडेंट की बीमारी से होती है। एक प्रोफेसर के लिए उसका स्टूडेंट उसकी औलाद से बढ़कर होता है। एक बात बताइए कि ये मौसम की तब्दीली है, जगह के बदलने से तो कोई बीमारी नहीं हुई है? ये मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार नहीं है, और ना ही किसी और बीमारी की वजह से है। इसने अपने हाथ पर किसी का नाम खुदवा लिया है, ये बुखार इसी वजह से है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
नाम कटवा लिया है, पड़े रहो इसी तरह से। खाम खाम मुझे आधी रात को भगाया तुमने। तुमको कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, सिर्फ प्रेम रोग है। नालायक कहीं के। पिकनिक मनाने आए या मातम मनाने आए? अरे एंजॉय योरसेल्फ, डांस डांस, अरे अरे डांस यार डांस। इतनी अच्छी जगह है ना, हम लोग आज यहीं रुक रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? सब लड़कियाँ इस पिकनिक स्पॉट पर आकर बहुत खुश हैं, सिर्फ अकेली उषा गुमसुम और उदास बैठी है। आखिर बात क्या है? मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की मगर नहीं भूल पाया। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कह दो कि मुझसे प्यार करती हूँ उषा, कह दो, वरना मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा। मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है उषा। मैं आज रात 12 बजे तक तुम्हारे फैसले का आखिरी इंतजार करूंगा।
छोटी है कसक है रे, इसमें नहीं कोई शक है रे, मीठी मीठी होती है कसक है रे, इसमें नहीं कोई शक है रे, कुछ ना कुछ मैं कर जाऊंगा, मेरा हाल ये रहा तो मैं मर जाऊंगा, मीठी मीठी होती है कसक है रे, अब इसमें नहीं कोई शक है रे, मीठी मीठी होती है कसक है रे, अब इसमें नहीं कोई शक है रे। होती है कसक है रे, अब इसमें नहीं कोई शक है रे, मीठी मीठी आहा मीठी मीठी आहा मीठी मीठी आहा मीठी मीठी। तू 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 तीन नंबर, सौ में से तीन नंबर, तुम्हारा क्या होगा? जिस्म पहाड़ का, अकल चिड़िया की। अरे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जब तुम्हारी उम्र के थे तो हर क्लास में फर्स्ट क्लास आते थे मालूम? और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन चुके थे मालूम? शर्म तो आती ही नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। जाओ जाओ मेरी माँ, जाओ जाओ, मेहरबानी करो। वैसे बराबर बोलती है। वो मेरी जान ले लेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो प्यार करने की क्या जरूरत थी? उषा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो, मुझे कोई एतराज नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। दिल की जमीन पर प्यार के पौधे किस तेजी से जड़ पकड़ लेते हैं मुझे मालूम है। जवानी में प्यार, बचपन में आग, ये दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि वो आग से ना खेले, वो नहीं मानेगा, वो आग से खेलकर ही रहेगा, और जब उसका हाथ जल जाएगा तो खुद ब खुद सबक सीख जाएगा। मगर तुम्हें ये सबक सीखने के लिए जलने की कोई जरूरत नहीं है उषा, क्योंकि तुम्हारी ये बहन बहुत पहले ये सबक सीख चुकी है, बहुत पहले अपने आप को इस आग में चला चुकी है। तुम भी अपने दामन में चिंगारियां बटोरने की कोशिश कर रही हो उषा, तुम्हें ये डर है तुम्हारा भाई कहीं तुम्हारी जान ले ले, लेकिन मुझे ये डर है कहीं हमारे भाई क्या तो उस लड़के की जान ना चली जाए। उस लड़के ने इस खत में लिखा है कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। उसको इस प्यार के रास्ते में मत घसीटो उषा, प्यार के इस खेल में उसकी जिंदगी को सचमुच कुर्बान मत करो, उसकी जिंदगी को दांव पर मत लगा उषा, वरना तुम भी मेरी तरह एक दिन पछताओगी। उषा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थी? मुझे जाने दो। अरे मुझे तुमसे कुछ कहना है। उषा, उषा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? आखिर आखिर क्या बात है कि तुम मुझसे बोल नहीं रही हो? What is wrong with you?
तुझे क्या हो गया यार? अपने आप को ठीक कर, वरना थोड़े ही दिनों में कपड़े फाड़ फाड़ कर पागलों से हरकत शुरू कर देगा। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ नहीं और तूने बिकर हाथ काट लिया। सुधर जा मेरे भाई, सुधर जा। तेरी बातें सुनकर खुशी हुई दोस्त, कि इस बेमुरव्वत दुनिया में मेरे जख्मों की परवाह करने वाला कोई तो है, वरना यहाँ तो लोग सिर्फ जख्म लगाते हैं और मुंह फेर कर चले जा रहे हैं। उषा, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? उषा, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? उषा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम मुझसे बात करोगी या नहीं? ठीक है, कुछ देर बाद जब राजू चलकर खाक हो जाएगा तो उस खाक को अपनी ठोकर से उड़ा देना, लेकिन उससे बात मत करना। तुम मुझसे कभी बेरुखी मत करना। तुम्हें देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। बात ना करना तो दूर की बात है। तुम दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना उषा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। ओह माय गॉड, राजू मर गए। वो देखो भैया, सब साफ हो जाएगा। राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आज नहीं तो कल सारी दुनिया हमारे प्यार के बारे में जान जाएगी, और इससे पहले कि हमारे प्यार पर कोई बदनामी का दाग लगे, मैं खुद जाकर तुम्हारे भाई से बात करता हूँ। नहीं नहीं राजू, प्लीज। Don't worry, Jan. Everything will be all right. नागेश भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या मैं? वो आपकी छोटी बहन है ना, उषा। उषा से क्या? उषा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। राजू, साले मेरे सामने खड़ा होके बोलता है कि तू मेरी बहन से प्यार करता है। भाई छोड़ूंगा मैं तुझे, भाई छोड़ूंगा। मार दूंगा। इसका कोई कसूर नहीं है, सारा का कसूर मेरा है। मैंने इसके साथ प्यार की शुरुआत की थी, मैं इसके साथ प्यार करूंगा। एक जलील कमीनी, तू मेरे सामने कहती है, मेरे सामने कहती है कि दो पैसे के दूध वाली के छोकरे से प्यार करती है? ये प्यार का शब्द आया कैसे तेरी जबान पर? किसने सिखाया तुझको? मेरा नाम नागेश है, जहरीले नाग भी मुझसे घबराते हैं, और तू मेरी छोटी बहन होकर मुझसे बोलती है कि तुझसे प्यार करती है? मेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके नाली में फेंक दूंगा मैं। मेरे हाथ सिर्फ इसलिए बंद है कि तू अब बड़ी हो गई है, और अगर मेरे हाथ उठ गए तो तू हमेशा के लिए दुनिया से उठ जाएगी। और याद रख, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तेरी वजह से हमारे घर पर या हमारे खानदान पर शादी आ जाए तो मैं तुझे जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूंगा। मेरी बात को गलत मत समझना, और आईंदा तूने वो गलत कदम उठाया तो तेरे साथ उस कुत्ते के पिल्ले के सीने में इतनी गोली उतारूंगा कि सुराग गिनना मुश्किल हो जाएंगे। और सुन, आज के बाद तू इस घर के बाहर नहीं जाएगी, तेरा कॉलेज जाना बंद, और अगर तू गई मैं तेरे पांव काट के भट्टी में फेंक जला के राख कर दूंगा, समझे? मैं भी कितना बेवकूफ इंसान हूँ कि तुझे कॉलेज जाने से रोक रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे किसी खटमल को मारने के लिए कोई खुद के घर को जला रहा हो। नहीं, मैं अपना घर नहीं जलाऊंगा, बल्कि उस खटमल को मसल डालूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मसल डालूंगा। मेरी प्यारी प्यारी बहन, मेरी प्यारी प्यारी छोटी बहन, कल से तुम कॉलेज जाओ, और अगर तुम नहीं गई ना तो मुझसे मार खाओगे, समझे? उषा, उषा मैं राजू, भैया के कारण घर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, यहाँ हाँ कोई देख लेगा। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी के पीछे मुझे ना, मैं वहाँ आती हूँ, प्लीज। अच्छा, बहुत साइकिल चला रही था ने मटकाए के, अब इसको झटका दो लटकाए के। क्या कर रहे हो? निशाना उल्टा हुआ जा रहा है, कांटे की जगह कली गुजरी जा रही है। हाथ रुक क्यों गए? मारो और मारो, कागजी नोट के लिए बिकने वाले जालिमों, रुक क्यों गए? तुम तीन दिन मिलके इस अकेले को मार रहे थे सिर्फ इसलिए कि मेरे भैया ने नोटों की हड्डी तुम्हारे आगे डाल दी है। मारो, आगे बढ़ो, जान से मार डालो हम दोनों को। अरे हम क्या कर सकते हैं बहना, हम तो मजबूर हैं। अगर हमने इसे नहीं मारा तो आपका भाई हमें मार डालेगा, जान से।
पे। आप हट जाइए पल्लू झटकाएंगे, नहीं तो आपका भैया हमको मारेगा उल्टा लटकाएंगे। खबरदार, तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम घर और इसके बीच मेरी जिंदगी दीवार बनकर खड़ी है। अगर इस तक पहुँच नहीं है तो पहले ही दीवार गिरानी होगी। पहले मुझे मार डालो, फिर इसकी जान ले लो। और हम जब दोनों मर जाए तो हम दोनों की लाशें मेरे भैया को ले जाके तोहफे में दे देना। उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। आगे बढ़ो, मार डालो हम दोनों को, मार डालो। चलो तुम लोग, चलो तुम लोग, चलो चलो। आज मेरे कारण तुम्हें मार खानी पड़ी, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। मगर राजू, मेरे भैया के जुल्म और तुम्हारे जख्मों का इलाज सिर्फ मेरे पास है। उषा, आज तुम कॉलेज गई होगी और कॉलेज में तुम्हें वो भी मिला होगा और उसने मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत भी किया होगा। कितना प्यार है उसके अरादा में, इसलिए हमने उसका नाम बदल कर प्यार का पंछी दिया है। अच्छा नाम है ना? उषा, ये क्या है, ये क्या कर रही हो तुम? घबराने की कोई बात नहीं भैया, जिस चाकू से आप सेब काटा करते थे आज मैंने उससे अपना हाथ काट लिया है। उषा, उषा, मेरा खून देख के मेरा दिल दहल गया और तू लापरवाही से कहती है कि तूने अपना हाथ काट लिया। अपनी बहन का खून देख के तुम्हारा दिल दहल गया और उस मां के दिल के टुकड़े को तुमने मार मार के लहूलुहान करा दिया, अनमरा करा दिया। उस वक्त तुम्हारे दिल पे कोई असर नहीं हुआ। उस खून को देख के तुम्हें बहुत मजा आया था ना, तो इस खून को देख के भी मजा उठाओ। खून तो खून होता है, खून के कतरे पे कहां लिखा होता है कि बहन का खून है किसी गैर का खून है। मुझे ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। अभी मैंने उस पिल्ले को पटवा के तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाया है। अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं उसे सीधा शमशान घाट पर दूंगा। वो भी करके देख लो भैया, उषा बड़े हुए कदम वापस नहीं लौटेंगे। अगर राजू हमारा गया तो यहाँ उषा अपनी जान दे देगी, और जब आप उसे शमशान से जलाकर वापस लौटेंगे तो इस घर की दहलीज पर आपको अपनी बहन की लाश मिलेगी। उस वक्त मुझ पर एहसान करना, मेरी लाश भी उसी शमशान में ले जाना जहाँ उसकी लाश जल रही होगी। जिंदगी में ना सही, कम से कम मरने के बाद हम दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। क्या तुम नागेश की बहन से प्यार करते हो? खुलेआम सड़क पर उसने तुम्हारी पिटाई की, हो सकता है कल वो तो तुम्हें जान से मार दे। अपने अंजाम के बारे में सोचा है तुमने? मुझे ना अपने अंजाम की परवाह है ना अपने जान की। मैं उसे प्यार करता हूँ और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। क्या वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम? हाँ। औरत का दिल वो मुश्किल किताब है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका, शायद इस दुनिया को बनाने वाला भी नहीं। इसलिए सबसे पहले ये मालूम करो कि जिससे तुम प्यार करते हो वो किस किस्म की लड़की है, प्यार पर जान देने वाली या वक्त आने पर दिल को ठोकर मारने वाली। मोहब्बत एक ऐसी जंग है जिसमें जीत कम होती है और हार ज्यादा। इसकी कामयाबी न तुम्हारे हाथ में है न मेरे, सिर्फ तकदीर के। दूर क्यों जाते हो? मेरी मिसाल लो, मेरी, मेरे पास किस चीज की कमी है? ताकत है, दौलत है, जिससे मुकाबला करूं जीत सकता हूं। लेकिन तकदीर से एक ही बार मुकाबला हुआ और हार गया। ऐसे हारा कि उस वक्त के जख्म आज तक नहीं भरे। दुनिया में इन जख्मों का कोई इलाज नहीं है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मोहब्बत क्या है। मैंने भी किसी लड़की से प्यार किया था, उसके मां नहीं थे, सिर्फ मामा मां थे। मामा जमींदार लेकिन लालची किस्म का इंसान था। वो आर्थिक की जवानी की फसल को दाम लगाकर बेचना चाहता था। उन्हें हमारा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जब उसे आवाज देता वो दौड़ चली आती। नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कजरा तो लगाती जा। नहीं, अरे ओ
हिच 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 की लगी
कहाँ से आ रही है तू? मैं पूछता हूँ कहाँ से आ रही है तू? मैं अपनी सहेली से मिलकर आ रही हूँ माँ। सहेली से मिलकर आ रही है अपने यार से? जी जी नहीं। तू क्या समझती है मामा हवेली में बैठा है उसे पता नहीं चलेगा तू कहाँ से मुंह मुकाल करके आ रही है? बोल कौन है वो जिसे तू मिलने गई थी? बोल। मैंने कहा ना मामा जी, मैं अपनी सहेली से मिलकर आ रही हूँ। सहेली से मिलकर आ रही है? बोल कौन है वो? जिंदगी घर में बिठा के रखने का इरादा है क्या? अरे तो ये कुतिया क्यों नहीं बताती उस कमीने का नाम? ठीक है, मैं खुद पता कर लूंगा वो हरामजादा कौन है। आप अपनी भांजी का हाथ मेरे हाथ में दीजिए, मैं 5 लाख के नोट आपके हाथ में थमा दूंगा। ये रही पेशगी भाई, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाड़ में गए मामा मामी। सेठ जी जैसे आपकी मर्जी। तो फिर हम कोई शुभ घड़ी निकलकर इस शुभ काम को पूरा कर देते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। जरूर। ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? आपको लाज लज्जा दया शर्म कुछ नहीं? अपनी फूल जैसी भांजी को उस बूढ़े खुरुसर उसके बारी उम्र के आदमी के हाथ बेचना चाहते हैं? खामोश बेवकूफ औरत, ये बिजनेस है, व्यापार है। जब लड़की घर से जाती है तो दहेज लेकर जाती है, लेकिन हम उसे ऐसे घर में दे रहे हैं जहां वो हमें दहेज देकर जाएगी। रुक जाओ आरती, मैं कहता हूं लौट जाओ। मामा, मामा मुझे मत रुकिए, मुझे सिर्फ एक बार जाने दीजिए। नहीं, तुम नहीं जा सकी। इस दहलीज के बाहर तुम उस वक्त कदम रखोगी जब बाहर डोली खड़ी होगी। मामा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, अपनी भांजी समझकर नहीं तो एक भिखारन समझकर, अपने घर की नौकरानी समझकर मुझ पर दया कीजिए। मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने ने दीजिए। उसे देखना चाहती है? चल मेरे साथ। ले जाओ इस पागल प्रेमी को, इसके लिए इतनी सजा काफी है, जाकर इसे किसी पहाड़ी के पीछे फेंक दो। मामा को उन पर रहम नहीं आया, मगर मगर मौत को उन पर रहम आ गया। वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। किसी भी हालत में जाना है, किसी भी हालत में जाना है। चलो चलो बारात आ गई, बारात आ गई, चलो। अरे गोपी चले जाओ। गजाननम भूतगणादि सेवतम कवित्तजम भूफलचारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाशारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
आरती, आरती, दुल्हन भाग गई। कमजात कमीने, आज भरी बिरादरी में तूने मेरे मुंह पर जूता मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इतना जुल्म मत कीजिए। जाने दीजिए उन्हें, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम उनकी चाहत की चिता बना देंगे। जब तक हम उन्हें खत्म न कर डालें, हमारे मन में आग और शोले भड़कते रहेंगे। नहीं नहीं, मत रोकिए उन्हें। आपको मेरी कसम, मत रोकिए। हट जा। उस दिन तो तू बच गया, आज नहीं छोड़ूंगा। Oh!
आरती, आज के बाद इसे प्यार करने वालों का अंजाम हमारी तरह न हो। आरती, मुझे मुझे वह दो विशाल कि तुम आइंदा हर प्यार करने वालों की हिफाजत करोगे। मुझे मुझे वचन दो। नहीं विशाल, आरती मुझे समझे भाई, इसका नाम है मोहब्बत। इसका दुख सहने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। मेरी मानो तो वापस लौट जाओ। नहीं भैया, आपकी कहानी सुनकर मैं डरा नहीं, मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। अगर आप जैसा फरिश्ता मेरे साथ हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है। ठीक है, तो विशाल तुम्हारे साथ है, तुम आगे कदम बढ़ाओ, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। उषा, ये क्या, तुम अभी तक सोई नहीं? उषा, मेरे घर की दीवार पर तू अपने नाम के साथ उस भिखारी का नाम लिख रही है। जब तक मैं जिंदा हूं उषा के नाम के साथ उसका नाम कभी नहीं जुड़ सकता। अभी तो मैंने सिर्फ उसका नाम मिटाया उषा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम दोनों का नाम निशान मिटा दूंगा। क्या कर रही हो, हाथों में मेहंदी लगा रही हो क्या? नहीं भैया, मैंने इस गरम तार से अपने हाथ पर उसका नाम लिख लिया है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। बेशरम बेगैरत, मेरा मैं तुम दोनों को जिंदा जला कर राख कर दूंगा। जो मन में करो भैया, जला डालो, जला डालो भैया। लेकिन जलने के बाद हमारी राख में से यही आवाज आएगी कि उषा राजू की और राजू उषा का। जिंदगी ने उन्हें जुदा कर दिया लेकिन मौत ने उन्हें मिला दिया। लक्ष्मी, उषा दिन ब दिन हद से बाहर जा रही है। अगर वो छोटी छोटी बच्ची होती तो उसमें मार मार के सीधा कर देता, लेकिन वो बड़ी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर अभी नहीं माने तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि तुम खामोश क्यों बैठी हो। कभी तुमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है क्या? तुम ये चाहती हो क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की तरह बर्बाद कर दे? अगर नहीं तो उसे रोको, उस पर सख्ती करो। लक्ष्मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही है? नहीं सुन रही हूँ। इसी से मिलती जुलती मैंने एक कहानी लिखी है, उसका शीर्ष यानी कि टाइटल जानते हो क्या है? कांटे पर की राह में। राजू, 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 मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। अकेश के चमचे आपस में बात कर रहे थे कि उषा को देखने कुछ लड़के आ रहे हैं उसकी शादी तय करने के लिए। सारा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा है, मैं यहाँ पे पहरा देता हूँ और तू चुपचाप ऊपर चढ़ जा। चल खून की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे एक कतरा आंसू के लिए हजार कतरे खून के बहा सकता हूं। ये रख लो, लो। राजू, राजू नीचे, राजू, राजू जल्दी नीचे आ।
भाई आ गए, तुम जाओ नीचे जल्दी। कौन कौन है बेबे? कौन हो तुम? Stop you bastards! जब तक मेरी सांस बाकी है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। अगर तुम्हें शादी की जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है तो अपने जज्बात पर काबू रखना, गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना, क्योंकि तुम्हारे हर कदम के निशान पर राजा की तकदीर लिखी है। अपने गले में मंगलसूत्र की पहली गांठ बंधने तक खुद को जिंदा रखना, और अगर तब भी मैं तुम्हें न बचा सका तो फिर अपनी जिंदगी का फैसला तकदीर के हाथ छोड़ देना। तुम्हारा राजा। अब रोती ही जाओगी या बोलोगी भी कुछ? आखिर हुआ क्या? हम तो बर्बाद हो गए बेटा। हमरे उस अगले बेटे ने उस शैतान नागेश की बहन को प्रेम पत्र लिखा, वो पत्र नागेश के हाथ में पहुंच गया और उसने पुलिस को दे दिया। तब से पुलिस हमरे राजा को ढूंढ रही है। हमरी तो जान निकली जा रही है बेटा। भगवान के लिए हमरे बेटे को बचाए लो। बस चाची बस, तुम जाओ बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। पुलिस क्या, यमराज भी दरवाजे पर आए तो घबराना मत। कहना विशाल आएगा, उससे बात कर लेना। जाओ। ए उषा, मैं पुलिस में उस लोफर राजू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि उसने तुम्हें प्रेम पत्र लिखा है और अक्सर तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करता रहता है। अगर तुमने पुलिस के सामने को डिंग डांग की या कुछ उल्टा सीधा बोला तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर लूंगा। उषा चलो अब ये रोना धोना बंद करो और आराम से मुस्कुराते हुए अंदर चलो। चलो जाओ अंदर। बास्टर्ड। आप लोग नमस्ते। यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, हम लोगों ने खाना खाया और हजम करने के लिए टहलने के लिए निकले थे। हवलदार, ये क्या बकवास है? इनसे सिर्फ ये पूछे कि लड़का राजू अंदर है या नहीं, वरना हम खुद अंदर जाकर के तलाशी लेंगे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप खुशी से तलाशी ले सकते हैं लेकिन एक बात बताने की सहमत गवारा करेंगे? आपके पास वारंट है? लेकिन वारंट नहीं है ना, ये सिर्फ कानून की बात है। उस्ताद जी, ये तो कानून की बातें कर रहा है। मैं तो समझ रहा था कि ये मेरे पास है, मगर अगर इसकी नुक्ताचीनियों से तो मालूम हो गया है कि ये तो विकाला तक पास है, नैन मटका है कि। चुप रह, मेरे पास सर्च वारंट तो नहीं है लेकिन राजू के खिलाफ शिकायत जरूर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे अपनी ड्यूटी करने से नहीं रोकेंगे। बिल्कुल नहीं रोकूंगा इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद कानून इंसाफ और शराफत का पुजारी हूँ। आप अपनी ड्यूटी जरूर पूरी कर लीजिए, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन शिकायत लिखवाने वाला कौन है? लड़की का भाई, और उसने अपनी कंप्लेन में यह जरूर लिखवाया होगा कि राजू उसकी बहन को प्रेम पत्र लिखता है और उसे तंग करता है। अगर यह बात सच है इंस्पेक्टर साहब तो राजू सजा का हकदार है। लेकिन अब यह बताइए कि उसकी बहन की क्या सजा है जो राजू के प्रेम पत्र के जवाब में उसे भी प्रेम पत्र लिखती है? ए विशाल, ए छोटे भाई जरा आहिस्ता चिल्लाओ मत वरना गला बैठ जाएगा। इंस्पेक्टर से बात करो। मिस्टर नागेश, आप खामोश रहिए, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। अरे इनसे क्या क्या बात करते हो इंस्पेक्टर, ये होता कौन है? आप जरा कॉलेज के रिकॉर्ड देखिए, एक नंबर का गुंडा बदमाश लोफर मवाली लड़का है वो। उसने जितने भी बेहूदा खत लिखे मेरी बहन को वो मैंने सबूत के तौर पर आपको पेश कर दिए हैं। उनके दिल पर आप उस हरामजादे को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा, खाला जी का घर है क्या? राजू ने तुम्हारी बहन को जो खत लिखे वो तो तुमने इनको दिखा दिए, अब जरा वो भी खत दिखा देते हैं जो तुम्हारी बहन ने राजू को लिखे। हाँ राजू, राजू इसकी बहन उषा ने तुम्हें जो खत लिखे हैं जरा लाना तो सही। उस्ताद जी, अगर राजू वाकई में खत ले आया तो इतने जूते पड़ेंगे कि नैन मटका ने भी भूल जाएंगे नैन मटका है के। कीप योर ब्लडी माउथ शट। राजू चुपचाप क्यों खड़े हो, जाओ और खत लेकर आओ। भैया मेरे उषा के लिखे हुए खत तो थे लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन वो हर खत में लिखा करती थी कि उन्हें पढ़कर जला देना, तो इसलिए मैंने वो सारा जला दिए। नालायक, ये क्या बकवास कर रहा है तू? शाबाश बड़े भाई शाबाश, कानून और इंसाफ की बात कर रहे थे ना? अब बोलो
हम क्या इंसाफ करें? अरे खामोश क्यों गए आप? जबान के आपकी तालू से चिपक गई है। मिस्टर विशाल आई एम सॉरी, आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठहरिए, सबूत मेरे पास है इंस्पेक्टर साहब। उषा, मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। बिल्कुल नहीं, आप जरा यहाँ आइए। उषा, मिस्टर नागेश। कहिए। राजू पर लगाए हुए इल्जाम गलत हैं। मैं राजू से प्रेम करती हूँ और ये रहा वो खत जो मेरा प्रेम और राजू की बेगुनाही साबित करने के लिए काफी है। शाबाश मेरी बहन, शाबाश। इसे कहते हैं बुजदिल भाई की दिल वाली बहन। अफसोस छोटे भाई, अब कहाँ मुँह छुपाते फिरोगे? जवाब दो, क्या इस खत की लिखाई ने सिलाई बनकर तुम्हारे होठ सी दिए? विशाल के बच्चे, मेरे बाहरी मामलात में दखल देना तो ठीक था, लेकिन मेरे घरेलू मामलात में टांग मत अड़ा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे जा कफन चोर मुर्दे की औलाद, चमचों के बल पर बच्चों पर धोल जमाने वाले, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरा नाम विशाल है और विशाल तो एक तरफ, तू इस लड़के का एक बाल भी भागा नहीं कर सकता। ये बात है, बिल्कुल यही बात है। तेरी बहन इस लड़के से प्यार करती है, पटरंगे की चोट पर ऐलान करके करती है। अब बोल, इनकी शादी राजी होता है या नहीं? अबे जा, बड़ा आया शादी करवाने वाला, मैं अपनी बहन को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन उस हरामजादे के हाथ में उसका हाथ कभी नहीं दूंगा। तो कान खोल कर सुन ले, मैंने भी तेरी बहन के जीते जी उसका हाथ राजू के हाथ में नहीं दिया, तो अपने बाप की औलाद नहीं। तो तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर मैंने भी अपनी बहन का ब्याह अपनी मर्जी से ना करवाया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। चैलेंज दे रहे हैं? हाँ चैलेंज दे रहा हूँ। तू क्या चैलेंज देगा? इस महीने की 18 तारीख को मैं अपनी बहन की शादी अपनी मर्जी से कराऊंगा, तुझसे जो होगा कर लेना। और अगर इसी महीने की 18 तारीख को मैंने तेरी बहन की शादी तेरी मर्जी के खिलाफ राजू से न करवा दी, तो ये विशाल जिसे दुनिया चैन मास्टर कहती है, अपनी चैन को तेरे कदमों में फेंक कर जिंदगी भर तेरी गुलामी करेगा। बाय बाय बास्टर्ड। सर अगर बुरा न माने तो लिंक पकड़ के बॉर्डर संभाल के एक बात कहूँ। कहिए। ये नैन मटकाऊ लज्जन एकदम फ्रॉड है, फानबाज है। कैसे? अरे इस शहर का जितना भी घिसा पिटा और बासी माल है वो आपको ला ला कर देता है, और जो असली माल है वो अपने घर के अंदर छिपा के रखता है लिमिट पकड़ के बॉर्डर संभाल के। असली माल? ओ, उसका खूबसूरत जवान और ब्यूटीफुल ऑरेंज के माफक सिस्टर बहन नारंगी, अगर आप हुक्म दे दें तो उस नारंगी को आपकी खिदमत में पेश कर दें। आज जिंदगी में पहली बार तुम दोनों ने अक्लमंदी की बात की है, उस लड़की को फौरन हमारी खिदमत में पेश किया जाए। विशाल बाबू, विशाल बाबू, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए विशाल बाबू। मदद? और मुझसे? लज्जन, आज तक तुम नागेश के साथी थे, उसकी पार्टी में थे, ये अचानक पार्टी बदलने का इरादा कैसे कर लिया? या वहाँ से पैसे मिलने बंद हुए? पैसा नहीं विशाल बाबू, रोटी। अगर बाल बच्चों के पेट पालने का ख्याल ना होता, दो वक्त की रोटी का सवाल ना होता, आज तक उस कमीने के लिए कौन इतनी जलील हरकतें करता? विशाल बाबू, मुझे आज अपने किए की वो सजा मिली है कि जिसे मैं सोच भी नहीं सकता था। उस शैतान के लिए आज तक मैंने दूसरों की बहू बेटियों को उसकी हवस का निशाना बनाया, उन लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया विशाल बाबू, लेकिन आज आज मेरी बहन की इज्जत उसने लूट ली विशाल बाबू, मेरी बहन की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी विशाल बाबू। विशाल बाबू, आज गुनहगार अपने गुनाह से तौबा करने के बाद आपके पास आया है। विशाल बाबू, क्या आप मेरी मदद न करेंगे? आप मेरी मदद नहीं करेंगे विशाल बाबू? मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए विशाल बाबू। रो मत लड्डन, रो मत, आज से तेरे बाल बच्चों की देखभाल का जिम्मा मेरा है, वो मेरे बच्चों समान है। अब तेरी जिम्मेदारी यही है कि उसी कमीने के पास रहो और सुबह शाम वो क्या करता है, कहां जाता है, उसकी खबर मुझे करते रहना, उस पर नजर रखना। जा। सुनो बे, मुकाबले का टाइम नजदीक आ गया है, कल उषा की शादी है, मैं मालेगांव जा रहा हूं शादी का प्रबंध करने। उषा शाम को दुल्हन बनकर गाड़ी से गांव के लिए रवाना होगी और तुम दोनों अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पीछे रहोगे, लेकिन होशियारी के साथ, किसी भी हरामजादे ने अपनी टांग बीच में खाने की कोशिश की तो उसे भाई बूंद डालना। दिस टाइम आई वांट नो कॉम्प्रोमाइजेस। ओके, तैयारी शुरू करो। विशाल बेटा, विशाल बेटा,
कल हम मंदिर गए रहे, वहाँ हमका वो कुत्ता नागेश की बहन लक्ष्मी मिली रही। जानत हो वो अपनी छोटी बहन उषा की शादी के बारे में का कहत रहे? सुनो सुनो। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब लक्ष्मी इस मामले में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जल्दी करो, बस बारात उठने वाली है, शादी का मामला है। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, बस काम हो गया है। ढक्कन बंद कर दो, सही कमर तोड़ेगा क्या? अरे ओ लसन बेसन, गाड़ी में सामान लदवाए दिया है नैन मटकाए के, अब मैं भी निकल लिया हूँ लहराए के। तुम किधर जाता है? बॉस का ऑर्डर है दुल्हन को साथ लाने का, दुल्हन बोलता है हमको साथ नहीं आने का, लगता है हमारा टाइम आ गया है मार खाने का। इधर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, लिमिट पकड़ के बॉर्डर संभाल के, उधर हम बॉस को फोन घुमाता है तो फोन नहीं लगता। इसका मतलब दाल में खाला जरूर है। अबे लसन बेसन, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रक के साथ मैं निकले लेता हूँ और यहाँ की हकीकत हाल जाके उस्ताद को बताए देता हूँ। आई बात समझ में? नहन मटका है कि नापाली मर्दबा अकलमंदी की बात, फौरन निकल जा पतली गली पकड़ के। मैं तो निकल लिया हूँ, तू अपनी खैर मना ढक्कन। हेलो, अबे गधे के बच्चे ने, मैं बोल रहा हूँ नागेश, 10 बज गए, बारात का वक्त हो गया है, उषा और लक्ष्मी निकलेगी नहीं, हरा दे। सर, पहला तुम गाली बंद करो और गुस्सा को साइड में रखो, लिमिट पकड़ के बॉर्डर संभाल के हमारा बात सुनो। हम कितनी बार तुम्हारा सिस्टर को बोला जल्दी करो, टाइम हो गया, मगर वो बोलता है नहीं। क्यों? हमको नहीं मालूम। हम कितनी बार आपको फोन लगाया मगर साला लगता ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर नैन मत खाऊ लड्डन को उस ट्रक में भेज दिया जिसमें दहेज का सामान आ रहा। अरे अरे, ये रास्ते में गधे किसने खड़े किए? हटाओ उसे। अरे तो हट। अरे हट। अरे कहाँ मर गया गधे वाला गधा? अबे मत, मेरे कान बहुत तेज है, मेरा चाकू उससे भी ज्यादा तेज। चल। कहीं अलमारी में तुम्हारा दम तो नहीं घुट गया था नैन मटकाए के? नहीं, इसीलिए तो मैं बार बार दरवाजा खोल लिया था, बंद कर लिया था कि कहीं तुम्हारा दम घुट जाए नैन मटकाए के। मेरे जाने के बाद दहेज का सामान पहुंचा देना। हुजूर विशाल जी, अब तक तो सब ठीक चल रहा है नैन मटकाए के। ठीक है चलो गाड़ी में बैठो। अरे कहां खोल रहे? ये क्या हो रहा है? तुम लोग अभी तक पोछा मार रहे हो? इधर कौन पोछा मारेगा तेरा बाप? चल दे, इसको देखो उल्लू का पट्टा। हेलो, नमस्ते साहब जी, मैं ट्रक ड्राइवर बोल रहा हूँ। आपके घर से दहेज का सामान लेके जो मैं निकला था, रास्ते में बहुत गड़बड़ हो गई साहब जी, आप जल्दी आ जाए। आप यू बास्टर्ड, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, 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 मैं यहाँ कुत्ते की तरह चिल्ला रहा हूँ, वहाँ तुम खामोश बैठी हो, क्या कर रही हो तुम? भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ उस लड़की की नैया जो वक्त के तूफानों में फंस गई है उसे पार लगा दे। यहाँ मेरी नैया डूब रही है, तुम दूसरों की नैया बचाने की प्रार्थना कर रही हो, उषा कहाँ है? है, आराम से है, खुश है, अब उस फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा था? उषा को अपने साथ लेकर लगन मंडप में पहुंचाना, कहा था कि नहीं? हाँ कहा था, और वो उस जगह पहुंच चुकी है जहाँ उसे पहुंच जाना चाहिए था। तुम मेरे सवालों का जवाब दे रही हो या किसी मैगजीन के लिए कहानी लिख रही हो? कल सुबह सूरज निकलने से पहले शादी का मुहूर्त है, अगर हम लोग सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मैं दुनिया में किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। एक सवाल पूछूं भैया, अगर उषा की शादी उस लड़के से हो जाए तो तुम्हारा क्या नुकसान है? क्या फजूल की बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें उसके असली मालूम है, वो अपने बाप की बेहतर बीवी को औलाद नहीं है, उसकी राखेल की नाजायज औलाद है, हराम है वो। तो क्या हुआ, उसके बाप के गुनाहों की सजा उसे क्यों दे रहे हो? और उसके माथे पर तो छपा हुआ नहीं है कि वो किसी की नाजायज औलाद है? क्या बुराई है उसमें? वो एक अच्छा लड़का है, उसके दिल में उषा के लिए इतना प्यार है कि वो उस प्यार की खातिर उषा के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकता है। वो साला क्या कुर्बान करेगा, सीने पे चाकू रख दूं तो मंडप छोड़कर भाग जाएगा, और अगर अच्छे दिल का है तो मैं क्या करूं? क्या उसका खानदान हमारे खानदान के बराबरी कर सकता है? तुम क्या चाहते हो कि मैं पांव की जूती को उठाकर टोपी की जगह सर पे रख लूं? कभी नहीं। नागेश भैया, जरा मेरी तरफ देखो, इसी किस्म की जात बिरादर खानदान का झगड़ा उस वक्त भी पैदा हुआ था जब मेरी शादी होने वाली थी, मैं भी किसी से प्यार करती थी और उसके साथ शादी के बंधन में बंधन जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर नहीं, पिताजी ने खानदान और सारा बिरादरी की छुरी से मेरे प्यार का गला काट दिया।
यही कहानी आज तुम मेरी छोटी बहन की जिंदगी में दोहराना चाहते हो? वो जिसे चाहती है पिताजी की तरह तुम उसे नहीं चाहते, मगर अब मैं इस जुल्म की आग में इस घर को दोबारा जलने नहीं दूंगी। खानदान और इज्जत के नाम पर इस प्यार का खून नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने उषा को यहाँ से भगा दिया है ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की शादी कर सके। क्या तुमने? ठीक करता मैं तुम्हारा खून कर दूँ। हाँ कर दो मेरा खून। आगे मेरा खून बहेगा, अपने खून की जिंदगी संवारने के लिए ही बहेगा। तूने अभी तक जब पहचाना नहीं, जब तक मेरी जान में जान बाकी है, उषा की शादी उस हरामजादे के साथ कभी नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी भी इज्जत सुन लो भैया, जब तक मेरी जान में जान बाकी है मैं तुमको इस घर से नहीं जाने दूंगी। अरे हट। सरकार मुझे तो खतरा सामने दिखाई दे रहा है, रहन मटकाए के। डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम लोग गंगापुर की तरफ रवाना हो जाओ, तुम दोनों का ब्याह वहीं होगा। मैंने गांव के मुखिया से बात कर ली है, उसने शादी का सब इंतजाम कर लिया है। मैं गांव के पुलिस इस तरफ निगरानी करूंगा। और तुम लोग जल्दी चलो। ये शादी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, और अगर ये शादी हो गई तो ये शादी नहीं तुम सबकी मौत होगी। इसलिए तुम लोग गंगापुर की तरफ रवाना हो जाओ, और रास्ते में जो भी खतरा बनने की कोशिश करे उसे खत्म कर दो। नाउ स्टार्ट। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाधि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मातुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानिकानि जपापानि प्रदक्षिणायां पदे पदे यानिकानि जपापानि प्रदक्षिणायां।
जानपा निधिपति गुंगवा महे बसो मम आह मजान। निधिपति गुंगवामहे अभी आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए, अक्षताणी पुष्पाणी धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। विशाल भैया, विशाल भैया, विशाल भैया, विशाल भैया, देखो हमने ब्याह कर लिया है, अब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। विशाल को तो मैंने मौत की शॉल पहना दी है, और जहां तक आशीर्वाद का सवाल है वो मैं तुझे दूंगा। सर पे हाथ फिरा के नहीं, इस पिस्तौल का घोड़ा दबा के। सिर्फ राजू को नहीं, आशीर्वाद हम दोनों को चाहिए। अगर मारना है तो हम दोनों को मारना होगा। विशाल भैया, विशाल भैया, विशाल भैया, हमारी मोहब्बत को बचाने लिए आपने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसा क्यों किया आपने विशाल भैया, क्यों किया? विशाल, वचन की तो अंधार प्यार करने वालों की हिफाजत करोगे? मुझे मुझे वचन दो विशाल, मुझे उसने कहा था।